बीजेपी गवर्नमेंट हाय हाय बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेरर, एनएसयू के स्टेट प्रेसिडेंट सन्नी परिहार सर और एनएसयू के ऑफिस बेरर सब यहां मिलकर आज हम बात कर रहे हैं कि जो सरकार कहती है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने अग्निपथ स्कीम लाई है, उस स्कीम में अगर 4 लाख भर्तियां होंगी तो 4 साल के बाद उन 4 लाख में से 1 लाख रहेंगे और 3 लाख फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। और यही कारण है पूरे देश भर में युवा रोष में है, प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारा ये मानना है कि अगर कोई स्कीम लाई जाए तो वैसी लाई जाए जिसमें युवाओं का भविष्य बेहतर हो, परमानेंट उनकी जॉब सिक्योरिटी हो। ये फौज सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये फौज में लोग हमारे देश के लाल इसलिए नहीं जाते कि सिर्फ पैसा कमाना है, सैलरी लेनी है, एक स्वाभिमान है, देश की रक्षा करने का स्वाभिमान है। और वो आप 4 साल के बाद उनसे छीन लोगे, ऐसा कोई भी माँ का लाल नहीं, ऐसा भारत का कोई भी युवा नहीं जो भारत माँ की सेवा सिर्फ 4 साल के लिए करना चाहता है। और यही कारण है भारत के युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इसलिए अग्निपथ के खिलाफ पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़ी विनम्रता से हमारा रिक्वेस्ट है बीजेपी सरकार से, अगर आप जिन युवाओं के लिए ये स्कीम लाए हो अग्निपथ, वो युवा ही उससे खुश नहीं तो क्या फायदा ऐसा स्कीम का, आप इसको कृपया करके वापस लीजिए। अगर आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, सिर्फ 1,20,000 कम से कम अफसरों की वैकेंसी इंडियन आर्मी में, सिर्फ इंडियन आर्मी में अभी बची है, पहले उसको भरने का काम कर दीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। हर जगह लोग दुखी हैं, एक तरफ इंडियन आर्मी का मान सम्मान रहना चाहिए, इंडियन आर्मी ऊंचाई में चलनी चाहिए, और दूसरी तरफ भारत के जो युवा हैं उनका भी भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। और इस सब को मद्देनजर रखते हुए हम डिमांड करते हैं कि अग्निपथ को रोल बैक किया जाए। एक तरफ भारत के युवा के लिए आप करते हो अग्निपथ, दूसरी तरफ शाहजी अपने बेटे के लिए करते हैं बीसीसीआई पद, तो ये कैसे अलग अलग दो पद दो तरह के युवाओं के लिए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है बीजेपी के लोगों से, बीजेपी सरकार से, कि अग्निपथ स्कीम को रोल बैक की जाए, क्योंकि ये देश के भविष्य के लिए बेहतर है, भारत के जो यूथ है उनके भविष्य के लिए बेहतर है। जो परमानेंट स्कीम है, रिक्रूटमेंट स्कीम है, वही लाइए जिससे हमारे देश के युवा जो हैं भारत के लिए जान देने को राजी हैं, सर्दों में उनका भी स्वाभिमान बचा रहे। धन्यवाद।